हेलो एवरीवन, कैसा आप सब। मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हो कैंडी मैक्स चैनल। तो दोस्तों भाई, जैसे कहते हैं ना, दुख का पहाड़ टूट पड़ा भाई। वो सिचुएशन हो रही अभी मेरे साथ। रोक्सी के गम से निकला भी नहीं था मैं, तभी उसके नेक्स्ट डे भाई ज़ारा ने बच्चे देने शुरू कर दिए थे। पहले से भाई 24 घंटे दर्द रहे थे, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वैसे यार दुखी था, वीडियो नहीं बना पाया कुछ भी। तो पूरा दिन उसको दर्द रहे, तो रात के 2:30 बजे उसने एक फ़ीमेल पप्पी को जन्म दिया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, फ़ीमेल दे दिया अब आगे देती रहेगी। तो उसके बाद भाई वो रिलैक्स हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ना कोई दर्द ना कुछ, खाया पिया सोई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं मुझे ये हो गया कि भाई चलो ठीक है, एक ही पप्पी देगी। तो उसके बाद भाई उसको कल फीवर हो गया, फीवर हो गया, पिछले पैर काम करना बंद कर दिया। उसको डिस्चार्ज हो रहा था ब्राउन कलर का। मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, डॉक्टर ने बताया कि भाई अभी इसके पेट में बच्चे हैं। अब भाई कल रात की बात है, तो अब मैं उसको लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल और एक्सरे करा लूँ पहले उसका, उसमें पता चल जाएगा कि बच्चे है नहीं है। फिर जो भी होगा भाई आपको इस वीडियो में बता देंगे, सारी सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको वीडियो में, एक्सरे वगैरह जब जाएंगे कैसी हालत है उसकी सब कुछ दिखाएंगे आपको। चलिए मिलते हैं भाई सीधा वहीं पर। तो दोस्तों भाई जाने के लिए तो रेडी हम हो गए थे, लेकिन उसके बाद हम गए ही नहीं। इसके पीछे के भाई रीजंस है, क्योंकि जब हमने डॉक्टर से भाई पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि अगर आपकी फ़ीमेल के पेट में अगर बच्चे है तो आपकी फ़ीमेल खाना नहीं खाएगी, दर्द में रहेगी और दूध भी नहीं आएगा। जो बहुत से सिम्टम्स थे जो कि एक फ़ीमेल में हो जाते हैं अगर वो बच्चे एक बच्चा देखे या दो बच्चे देखे, यानी कि कुल मिला के मान लो कि पेट बच्चे अगर रह गए तो। लेकिन मेरे वाली फ़ीमेल जो है भाई वो सारे काम कर रही थी कंप्लीट, मतलब कि खा पी भी रही थी, सब चीज़ टाइम पे कर रही थी, सब चीज़ बढ़िया। उसके बाद फिर डिसीजन लिया कि भाई जा नहीं रहा। और आप अभी कंडीशन देख लो भाई, ये बड़ी सोन लग रही, ये देखो, देख रहे हैं आप, ये देखो भाई फीमेल मेरी यानी ज़ारा, ज़ारा और ये भाई इसकी मासूम है जो उसके पास लेट रही, ये भी सो रही। तो फिर भाई मैं किस बेस पे चला जाऊँ, ना कोई पेन है ना कोई दर्द है, कुछ नहीं है, फिट है ऊपर वाले की दुआ से। तो फिर भाई मैंने डिसीज़न लिया कि मैं नहीं जा रहा। और आपको भाई कुछ टाइम के बाद, अभी रिवील नहीं कर रहा मैं जो फेस है फीमेल का, लेकिन कुछ टाइम के बाद रिवील करूँगा और फिर देखते भाई कैसी क्वालिटी निकल के आती है अपनी ज़ारा की बच्ची, जो कि सिंगल पीस है, कहना सिंगल ही होता पैदा हुआ है जो।